एक पिता जिसने अपनी जिंदा बेटी का कराया पिंडदान, भारतीय रीति रिवाजों से किया गया पिंडदान, पिता ने लगाया लव जिहाद का आरोप, रिश्तेदारों को बांटे गए शोक संदेश। ये खबर आपको हैरान कर देगी, परेशान कर देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी कि आखिर कोई पिता अपनी जिंदा बेटी का शोक संदेश छपवाकर पिंडदान कैसे कर सकता है। लेकिन कोई मानसिकता बनाने से पहले आपको पिता की मजबूरी को भी समझना होगा कि आखिर क्यों उसने अपनी जिंदा बेटी को मरा हुआ मानकर अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए। इस खबर को समझने के लिए हम आपको मध्य प्रदेश के जबलपुर लिए चलते हैं। नमस्कार, मैं राकेश कुमार, और आज जिस खबर की हम बात कर रहे हैं, शायद उसको देखने के बाद, उसको सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल पूरा मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर का है, जहां एक परिवार अपनी बेटी की शादी से इतना परेशान हुआ कि उसने परिवार से अपनी बेटी को बेदखल तो किया ही, साथ ही रिश्तेदारों में उसकी मौत की खबर सुनाकर पिंडदान भी कर दिया। परिवार ने बाकायदा रिश्तेदारों को शोक पत्र भेजे और मृत्युभोज के लिए आमंत्रित भी किया। अपने शोक संदेश में परिवार ने अनामिका को कुपुत्री बताते हुए लिखा है, बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि श्री चंद्रिका प्रसाद दुबे की कुपुत्री अनामिका दुबे का स्वर्गवास दिनांक 2 अप्रैल दिन रविवार को हो गया है। जिसकी आत्मा की शांति है, तो मृत्युभोज एवं पिंडदान दिनांक 11 जून दिन रविवार को होना निश्चित हुआ है। चलिए अब आपको पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर अपनी ही बेटी से इतनी नफरत की वजह क्या है। दरअसल ये पूरा मामला शुरू होता है अनामिका और अयाज की प्रेम कहानी से। काफ़ी समय से चल रहे इस प्रेम प्रसंग का खुलासा तब हुआ जब अनामिका दुबे की शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें निकाह का दिन 7 जून तय किया गया था। परिवार को कुछ समझ आता उससे पहले ही अनामिका दुबे ने मोहम्मद अयाज के साथ निकाह कर लिया और शादी के बाद धर्म परिवर्तन कर वो अनामिका दुबे से उज्मा फातिमा बन गई। बेटी के इस कदम से दुखी परिवार ने अपनी बेटी को समझाने की लाख कोशिशें की, लेकिन अनामिका दुबे उर्फ उज्मा फातिमा समझने को तैयार नहीं थी। आखिर में वही हुआ जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। बेटी ने शादी का कार्ड वायरल किया था तो परिवार ने बेटी को परिवार से बेदखल करते हुए बड़ा फैसला लिया और अपनी जीवित बेटी का पिंडदान कर दिया। परिवार ने बाकायदा बेटी के निधन होने के शोक पत्र भी छपवाए और मृत्युभोज का आयोजन भी कर दिया। हालांकि हिंदू धर्म में मौत के बाद पिंडदान और मृत्युभोज किया जाता है, लेकिन बेटी के इस कदम से परिवार इतना आहत हुआ कि परिजनों ने शोक संदेश छपवाया और बाकायदा नर्मदा नदी के तट पर जाकर अनामिका दुबे से उज्मा फातिमा बनी युवती का पिंडदान और मृत्युभोज का कार्यक्रम कर दिया, जिसे अनामिका के भाई ने पूरा किया। वहीं इस पूरे मामले में अनामिका के परिवार ने अयाज खान पर बहला फुसलाकर धर्मांतरण करने का भी आरोप लगाया है। परिवार ने SP कार्यालय में पहले हंगामा किया और हिंदू संगठनों के साथ मिलकर के कार्रवाई की मांग भी की। परिवार का आरोप है कि शादी में रजिस्ट्रार की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। अनामिका के माता पिता ने अयाज खान और मैरिज रजिस्ट्रार पर आरोप लगाया है कि कोर्ट मैरिज के पहले नोटिस तक उन्हें नहीं भेजा गया। वहीं इस कथित लव जिहाद के मामले पर पुलिस ने मुस्लिम युवक को क्लीन चिट दे दी है। DSP तुषार सिंह के मुताबिक मुस्लिम युवक और हिंदू युवती की रजिस्टर्ड मैरिज आपसी सहमति से हुई है। इसकी जानकारी दोनों के परिजनों को थी। विवाह के लिए किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाया गया था और युवक युवती कई सालों से एक दूसरे को प्रेम करते थे। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से आपसी रजामंदी की बात की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर परिवार ने लव जिहाद और धर्मांतरण का आरोप लगाया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या वाकई में एक युवती आधुनिकता के दौर में इतना समझदार हो जाती है कि सालों का अनुभव रखने वाले पिता की रोक टोक उसे बोझिल लगने लगे। प्रेम विवाह को लेकर कई उदाहरण दिए जाते हैं, लेकिन परिजनों की खुशी को ताक में रखकर भविष्य के सपने संजोना कितना सही है, ये समझना जरूरी है। आप इतने भी बड़े मत बन जाइए या परिवार को इतना भी दुखी मत करिए कि उन्हें जिंदा पिंडदान करने की नौबत उठानी पड़े। आज के लिए इतना ही, जल्द मुलाकात होगी किसी और खबर के साथ। नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज TV और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज TV।